आप इस सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करोगे तो आपको एक नई कार भी मिल जाएगी। पर आपको यही जॉब क्यों करना? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कुछ करना नहीं पड़ता ना, इसलिए। Really? These three were trying to cross in through the sea route. Fishing boat ko hijack kiya and killed the captain. In interrogate karo aur intelligence gather karo. Usar Rahman! Bahut bharosa karke andar aa raha hu. Galti se shoot mat kar dena bhai. Apne Syria se jo mujahid bheja tha, use Hindustan ne apni girift mein le liya. Hame ek aur mujahid chahiye jo pehle se hi Hindustan mein ho. Ek ladka hai, wo aise hi mukammal kaam ke liye bana. रॉ के एक स्लीपर एजेंट ने हमें बलूचिस्तान से टिप ऑफ किया है कि कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। दिस मिशन इज कॉल्ड ज़ुल्फिकार। लोग किसी माल के बारे में बात कर रहे हैं सर, किसी गेस्ट लिस्ट ऑफ फ्लो प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। अभी क्या हुआ? सुशी शुल बोल रही थी यार, हम यहाँ कुछ काम से आए थे। तुम क्या कर रही हो? काम के लिए तो आई हूँ, एक फ्रेंड से मिलने। मेरी नई जॉब के बारे में कुछ डिस्कस करना था। अच्छी जगह डिस्कस करने के लिए। एक वैन लेके निकले हैं सर, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो उस वैन में कुछ ना कुछ तो डेंजरस है सर। यू बेटर बी राइट अबाउट दिस। सर मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। सर वो टेररिस्ट नहीं थे। हर बात घूम फिर कर तुम और तुम्हारी इम्पोर्टेंट जॉब पर आ जाती है। तो क्यों बर्दाश्त कर रही हो मुझे? क्योंकि मुझे लगता था कि चाहे जो भी हो, तुम्हारी महान जॉब के अलावा तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। But I don't know anymore. And by the way, I've said yes to the job. करियम टेररिस्ट नहीं था। This was my operation. अगर कोई उसके लिए जिम्मेदार है, then I should be held responsible. You are being transferred to श्रीनगर. मैंने तुम्हें श्रीनगर खास वजह से भेजा है। रॉ से इंफॉर्मेशन मिली है कि मिशन जुल्फिकार का एक की एसेट कश्मीर पहुंच गया है। I want you to dig deeper into this. ऐसे भी सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। कोई तो है जिसको मेरी फिक्र है। क्या कर रहे हो तुम? चूतिया बन गए हम लोग। आसिफ पे आग गड़ाए बैठे थे, ये साला मूसा ये अलकातिल निकला। मूसा को किसी खास मकसद के लिए भेजा गया था। एंड ही इज आल्सो अ केमिकल वेपन एक्सपर्ट। सर प्लीज, मुझे फैजान को इंटरोगेट करना है। उनकी लोकेशन और प्लान की किसी को जानकारी है तो वो है फैजान। बहुत साल पहले पीओके में नर्व गैस का स्टॉक लश्कर दबा का हाथ लग गया था। साजिद इस वक्त कश्मीर से नर्व गैस का पूरा स्टॉक दिल्ली लेकर आ रहा है। देखो फौरन इतला करो कि वो सहरा लेने ना जाए। जुल्फिकार अभी खत्म नहीं हुआ है। देयर इज अ प्लान बी। प्लान बी है क्या? 1984 भोपाल याद है? गैस लीकेज में हजारों लोग तड़प तड़प के मरे थे। दिल्ली विल बिकम अनदर भोपाल। सब बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करो, अपनी अम्मी को मारने दो। ये लोग हमें एक एक करके जानवरों की तरह मार रहे हैं।